बेटा आपका आज हम चैप्टर 10 शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 6 चैप्टर 10, जिसका नाम है मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति। इस चैप्टर के अंदर आप अलग अलग आकृतियों को किस तरीके से नापा जाता है, उनका परिमाप और क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है, इसके बारे में पढ़ोगे। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि परिमाप या पेरीमीटर किसे कहा जाता है। पेरीमीटर का मतलब है जब हम किसी चीज़ की बाउंड्री को मापते हैं, यानी डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। किसी भी आकृति की बाउंड्री को मापना, जैसे मान लिया मैंने एक छोटा सा आयत बनाया, यहाँ पर मान लिया ये एक छोटा सा पार्क है, आप पार्क में सैर करने जाते हो, मैं इस पॉइंट पे हूँ पार्क में और मैं यहाँ से चलना शुरू करती हूँ, पहले मैं यहाँ तक जाती हूँ, फिर मैं पार्क की इस बाउंड्री को कवर करती हूँ, फिर इधर आती हूँ और वापस उसी पॉइंट पर जाती हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। तो जितना डिस्टेंस, जितनी दूरी, जितना मैं चली इसे कवर करने के लिए, उसका माप क्या कहलाएगा? परिमाप। हम अलग अलग आकृतियों का परिमाप निकालने के लिए इनकी लंबाई को जोड़ देते हैं, इस लंबाई को, इस लंबाई को, इस लंबाई को और इस लंबाई को, जब मैं जोड़ूंगी तो मुझे इसका परिमाप प्राप्त हो जाएगा। जैसे माना ये आपको एक वर्ग दिखाई दे रहा है, इस वर्ग की हर भुजा 6 सेंटीमीटर है। अब अगर मुझे इसका परिमाप ज्ञात करना है, पेरीमीटर ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगी? माना मैंने इस पॉइंट से शुरू किया तो मुझे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना चलना पड़ा? 6 सेंटीमीटर। फिर मैं यहाँ से कहाँ गई? यहाँ, तो फिर कितना चली? 6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए फिर 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँचने के लिए मैं कितना चली? 6 सेंटीमीटर। यानी टोटल जो मैंने डिस्टेंस तय किया वो किया 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने क्या किया? वर्ग का परिमाप निकालने के लिए उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दिया। अब हम बार बार इसको ऐसे जोड़ेंगे तो वो एक लेंथी तरीका है, हम इसका एक छोटा सा फार्मूला बना लेते हैं। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए मैंने क्या किया? चारों भुजाओं को जोड़ा, और किसी चीज़ को बार बार जोड़ना यानी उसे गुणा करना। तो आपने कितनी बार 6 को जोड़ा? 4 बार। तो यानी वर्ग की 4 भुजाएं 4 बार जोड़ी, तो फार्मूला क्या बना? 4 गुना भुजा। जितना भी वर्ग की भुजा का माप है उसे 4 से गुणा कर दें तो हमें वर्ग का परिमाप प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला है, 4 गुना भुजा। अब आ जाते हैं हम आयत के परिमाप की तरफ। हम आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे? आप जानते हो कि आयत वह आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये भुजा 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। मैंने जब इसका परिमाप निकालना है तो मैं इसी तरीके से इसकी भुजाओं को जोड़ूंगी, यानी 8 + 4 + 8 + 4, तो मुझे कितना मिला? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमने 8 को 2 बार जोड़ा, 4 को भी 2 बार जोड़ा, तो यानी जो लंबाई थी मैंने उसे भी 2 बार जोड़ा, यानी 2 गुना लंबाई, प्लस चौड़ाई को भी 2 बार जोड़ा, यानी 2 गुना चौड़ाई। तो यानी आयत का परिमाप हम निकालेंगे
लंबाई प्लस चौड़ाई कर लेंगे और उसे किससे गुणा कर देंगे, दो से, क्योंकि मुझे लंबाई का भी दुगना करना है और चौड़ाई का भी दुगना करना है, तो मैं इनको जोड़ के और फिर उसका दुगना कर लेती हूँ। तो मेरे आयत के परिमाप का फॉर्मूला बना 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी तभी आप इस चैप्टर को कर सकते हो।